वेरी गुड स्किल टू हैव. अप्लाई कैसे करना है? आई वॉज अर्निंग मोर देन $20 पर आवर. Welcome back to my channel. I hope you're all doing fine and staying safe. My name is Herlene and on this channel I create content about student life in Canada and just about my life in Canada. Well, in this video I will talk about my experience of working in a salon part-time when I was studying. I also worked in a salon, so I will talk about that. I was earning more than $20 per hour working in a salon, and I think it's a great part-time job for all the girls out there. जिन लोगों को भी पता है कि मैंने सैलॉन में काम किया, मुझे वो लोग पूछते हैं कि लाइक हाउ डिड आई गेट इनटू अ सैलॉन, क्या क्या स्किल्स चाहिए थे, एंड वाज इट इजी. लाइक आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस. सो आई केम टू कैनेडा इन 2016 एंड आई डिड सेवरल पार्ट टाइम जॉब्स. मैंने एक टाइम पे दो दो तीन तीन पार्ट टाइम जॉब्स भी की हैं एंड दैट रियली हेल्प मी पे माई ट्यूशन फी. सो विल टॉक अबाउट कि मैंने कैसे सैलॉन में स्टार्ट किया था. सो सैलॉन का क्या सिस्टम है? वेल, फॉर मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जैसे कि मेकअप हो गया, हेयर ड्रेसिंग हो गया, यू नीड अ लाइसेंस. तो उसके लिए तो लाइसेंस चाहिए था, तो आई कुडेंट डू दैट. जब मैं इंडिया से आई थी तो मुझे वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग हो गई, मेनली ये दो चीज़ें आती थी. एंड वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग बोथ आर इन ग्रेट डिमांड. एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे सैलॉन का अगर आपको कुछ भी करवाना है, बी एट योर नेल्स, बी एट योर हेयर रिमूवल, थ्रेडिंग, बहुत एक्सपेंसिव है कम्पेयर टू इंडिया. लाइक इंडिया में तो बहुत ही चीप है कम्पेयर टू कैनेडा. सो एवरीथिंग वॉज सो एक्सपेंसिव. तो मैं जब कैनेडा आई थी तो मैं सीख के आई थी, मेरे मम्मा को आता था तो मैंने वहाँ से ही सीख लिया था. वैक्सिंग भी मुझे आती थी एंड थ्रेडिंग भी मुझे आती थी. सो मैंने ऐसे ही लाइक इंडियन सैलॉन्स थे कुछ वाटरलू में, ज़्यादा नहीं थे, एक दो ही थे, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया. लाइक अप्लाई किया एज इन लोगों ने जाके मेरी लाइक इंटरव्यू ली कि लाइक करवा के देखा, बेसिकली मेरे से वैक्सिंग करा के देखी, थ्रेडिंग करा के देखी. क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग यू डोंट नीड अ लाइसेंस. बाकी सब चीज़ों के लिए, इवन नेल्स हो गया, कुछ भी चीज़ों के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए. आप ऐसे यहाँ पे किसी के थ्रेडिंग लाइक किसी के मेकअप, हेयर या कह लो नेल्स नहीं कर सकते विदाउट अ लाइसेंस. बट ये दो ऐसी चीज़ें हैं, थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग, मुझे कोई लाइसेंस नहीं चाहिए था. सो मैंने इंडियन सैलॉन पे अप्लाई किया. मैंने जाके लाइक एज यू नो इंडियंस इतना ज़्यादा लाइक पिकी नहीं होते, उन्होंने मेरे से करवा के देखा, दे लाइक्ड इट. तो मुझे ऐसे ही वो जॉब मिल गई. एंड फिर मुझे एक मिली जॉब मॉल में. मॉल में क्या था, सिर्फ थ्रेडिंग का ही था वहाँ पे, वो कुछ और नहीं करते थे, सिर्फ थ्रेडिंग करते थे. मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, उनकी भी इंडियन ही थी जो मैनेजर थी, उसने मेरे से करवा के देखा एंड आई गॉट अ जॉब. तो बेसिकली देवर पेइंग मी मिनिमम वेज, बट क्या था कि यहाँ पे क्या है कि आपको टिप्स बहुत अच्छी बन जाती है. लाइक अगर आप किसी की सर्विस करते हो से $15 की, तो ईजिली 10-15% वो ऊपर टिप भी दे देते हैं. तो और एक घंटे में यू कैन इमेजिन कितनी ज़्यादा बंदा आईब्रो थ्रेडिंग्स कर सकता है, बिकॉज इट जस्ट टेक्स 10 मिनट ना. तो मैंने ऑलमोस्ट मुझे $20 से ज़्यादा मुझे आवरली वेज बन जाती थी थ्रू दैट. आपको कैसे मिल सकती है ये जॉब? जनरली जो साउथ एशियंस होते हैं, दे हायर, आपको हायर कर लेते हैं इफ़ यू हैव, अगर आपका हाथ साफ है, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपका हाथ साफ है, आपको थ्रेडिंग अच्छे से आती है, आपको वैक्सिंग अच्छे से आती है, कुछ चीज़ें वो लोग खुद भी सिखा देते हैं. तो मैंने जैसे नेल्स वहाँ पे सीख लिए थे, ऑल्दो आई डिडंट हैव अ लाइसेंस, बट मैंने सीख लिया था नेल्स कैसे करते हैं. तो इट्स अ वेरी गुड स्किल टू हैव. अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा लाइक गर्ल्स, यू शुड एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम कि एटलीस्ट आप अपने खुद के ही कर सको. अगर आपको किसी और के नहीं करने, तो खुद के ही आईब्रोज एंड अपनी वैक्सिंग वगैरह कर सको. बिकॉज यहाँ पे अगर आप वैक्सिंग करवाने भी जाओ, इट्स लाइक मोर देन $50-60 आपके आर्म्स एंड लेग्स के ईजिली. अप्लाई कैसे करना है? आपको एक रेज्यूमे बनाना है, बेसिक रेज्यूमे जो कस्टमर सर्विस का होता है, बट उसमें आपको थोड़ा इस चीज़ का एक्सपीरियंस डाल देना है, जैसे कि आपने इंडिया में किसी सैलॉन में काम किया, लाइक इंडिया में 1 ईयर आपने किसी सैलॉन में काम किया, या आपने कुछ ट्रेनिंग ली इंडिया से इस चीज़ के बारे में. पुट दैट डाउन एंड इन पर्सन जाके देके आओ रेज्यूमे अपना. साउथ एशियंस बहुत जल्दी हायर कर लेते हैं, एज आई ऑलरेडी सेड. तो अप्लाई, वो आपको बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, उन्हें काम करके दिखाओ एंड यू कैन ईजिली गेट हायर्ड. बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है बाकी जॉब्स में, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ऐसी चीज़ सीख के आओ, ऐसा स्किल सीख के आओ जो आप
आपको बाकी स्टूडेंट से डिफ्रेंशिएट करे। तो ये चीज़ हर किसी को नहीं आती होती, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ये सीख के आओ, बिकॉज मैंने ये पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। एंड पहली बात तो ये इतनी ज़्यादा टायरिंग नहीं होती है, जैसे मैंने टिम हॉर्टन्स में भी काम किया, इट इज़ वेरी टायरिंग बट दिस इज़ नॉट टायरिंग। सो इतना टायरिंग नहीं होता एंड इट्स अ स्किल, एंड स्किल की यहाँ पे कैनेडा में बहुत वैल्यू है। लाइक यू विल अर्न मच हायर इन अ स्किल्ड जॉब देन एनी अदर कस्टमर और एनी अदर बेसिक जॉब। लाइक आपको स्किल्ड जॉब के बहुत अच्छे, बिकॉज यू गेट टिप्स एज वेल, यू गेट बेसिक जो मिनिमम वेज होती है प्लस टिप्स। आपको ये बेसिक चीज़ें सीख के आओ, अप्लाई and get hired, like pretty much that. Yeah, so that's how I worked at different salons in Canada. जब मैं student थी मैंने part time jobs की, and you can too, कोई इतना मुश्किल नहीं है। It's a very good job, do apply. And if you have any other questions, let me know in the comment section below and I'll try to answer those.